प्रिय साथियों नमस्कार। साथियों आज हम फिर से आप सभी के बीच एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। साथियों जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से शाला में पुस्तकों के स्टॉक की स्थिति कैसे देखें। ओके साथियों, तो हमारे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके साथियों, और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हमारे अपलोड किए जाएंगे आप सभी को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। ओके साथियों, तो टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से शाला में पुस्तकों की स्टॉक की स्थिति कैसे देखें। ओके साथियों, तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। प्रिय साथियों, सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। साथियों जैसा क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक मध्य प्रदेश टेक्स्ट बुक ट्रैकिंग टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप का जो है पेज ओपन होगा। साथियों जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है। साथियों इसके बाद यहाँ पे जो है एरो का जो निशान है इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पे सबसे एक नया पेज ओपन होगा। सबसे ऊपर दिया गया है टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप। इसके बाद शाला प्रभारी सत्र का चयन करें। अब यहाँ पे तीन प्रकार के सत्र हैं, 2021-22, 2022-23, 2023-24। तो 2023-24 वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ओके साथियों, अब यहाँ पे जो नया पेज ओपन है साथियों शाला प्रभारी 2023-24 जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे चार ऑप्शन है जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, टेक्स्ट बुक की सूची, पुस्तकों की सूची, ऑफिस में उपलब्ध पुस्तकों की सूची, छात्रों को वितरण प्रबंधन और टेस्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन। ओके साथियों, तो टेस्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शाला की डिस्पैच आर्डर, शाला में प्राप्त पुस्तकें और अतिरिक्त पुस्तकें बी आर सी कार्यालय को प्रेषित करें। शाला में प्राप्त पुस्तकें इसे आप देख लें। ओके साथियों, यहाँ पर जो है ये जो शाला में प्राप्त पुस्तकें हैं इसकी सूची आप देख सकते हैं साथियों। ओके साथियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है नया पेज ओपन है साथियों। अब टेस्ट बुक की सूची जैसा कि देख पा रहे हैं, इसके बाद पुस्तकों की सूची और टेस्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन, छात्रों को वितरण प्रबंधन। ओके साथियों, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं छात्रों को वितरण प्रबंधन, सबसे पहले इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ओके साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। सबसे ऊपर दिया गया छात्रों को वितरण प्रबंधन। ओके साथियों, सत्र 2023-24 यहाँ पे एक ऑप्शन है शाला में पुस्तकों के स्टॉक की स्थिति देखें। ओके साथियों, यहाँ पे चार ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे शाला में पुस्तकों के स्टॉक की स्थिति देखें इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ओके साथियों, जैसा कि देख पा रहे हैं इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा, टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप। यहाँ पे दिया गया शाला में पुस्तकों के स्टॉक की स्थिति देखें। ओके साथियों, जैसा कि देख पा रहे हैं शाला में पुस्तकों के स्टॉक की स्थिति देखें। ओके साथियों, सत्र 2023-24। अब यहाँ पे जो है नीचे दिया गया है शाला में उपलब्ध पुस्तकें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ओके साथियों, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसा कि देख पा रहे हैं इस ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसा कि देख पा रहे हैं शाला में पुस्तकों के स्टॉक की स्थिति देखें। अब यहाँ पर क्लास वाइज और विषय वाइज जो है आप जितनी भी पुस्तकें शाला में जो है स्टॉक के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है और जितनी पुस्तकें हमने वितरित कर दिया है यहाँ पे देखिए लक्ष्य, कुल नामांकन, शेष। अब यहाँ पे शेष जीरो दिखा रहा है क्योंकि अब कोई भी छात्र जो है पुस्तक के बिना जो है शेष नहीं है यहाँ पे। ओके साथियों, जीरो दिखा रहे हैं यानी सभी छात्रों को पुस्तक वितरित कर दिया गया। यहाँ पे देखिए लक्ष्य 25 और वितरित 25। ओके साथियों, तो इस बात को आप ध्यान रखें कि जो हमारा लक्ष्य है और हमारा वितरित और नामांकन के अनुसार वितरित कर दिया गया है कि नहीं। ओके साथियों, अब यहाँ पे नामांकन 23 दिखा रहा है लेकिन लक्ष्य 23-17 था। ओके, तो इस तरह जो है आप सभी कक्षाओं के छात्रों का जो है ये शाला में पुस्तकों की स्टॉक की स्थिति आप देख सकते हैं। ओके साथियों, और यहाँ पे एक नया लुक आ गया है, बहुत अच्छा है। सबसे पहला दिया गया है लक्ष्य, नामांकन, शेष, वितरित। यानी लक्ष्य कितना था, नामांकन कितने हैं, शेष कितने हैं, वितरित कितने है। तो वितरित कम्प्लीट हो गया है। ओके साथियों, तो इस तरह आप अपने विद्यालय के शाला में पुस्तकों के स्टॉक की स्थिति आप देख सकते हैं। ओके साथियों, तो आज का बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। Thank you so much.